भाई पेट्रोल का दाम 100 रुपए से कम हो ना हो, बट ट्रैवल बग स्टोरीज पे कमिटमेंट है 100 रुपए में पेट भर और टेस्टी खाने का। सलाम नमस्ते आदाब, मैं हूँ जरियाब एंड दिस इज द ट्रैवल बग स्टोरीज। आज का वीडियो कुछ स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक एक्टिविटी जिसका नाम है 100 में सब कुछ। सही सुना, 100 में सब कुछ। पेट्रोल की कीमतें जा रही हैं 99.20 पर, 99.20 का पेट्रोल हो गया है, बट आज भी आपके खुद के शहर में, मेरे शहर में कई ऐसे लोग हैं जो 100 रुपए के अंदर अच्छा टेस्टी और मज़ेदार खाना दे रहे हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। हमारा हैशटैग है #100 में सब कुछ। इस हैशटैग के जरिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे भोपाल के उन टेस्ट मेकर्स को, उन स्ट्रीट हॉकर्स को जो 100 रुपए के अंदर बजट में टेस्टी खाना दे रहे हैं। हम आज का पूरा बजट 100 रुपए का रखेंगे और एंड ऑफ द डे हम देखेंगे हमने कितना कुछ कवर किया और ये एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन होगा उन लोगों के लिए जो महंगाई में भी आपको अच्छे खाने का स्वाद देने से नहीं चूक रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए ट्रैवल बग स्टोरीज पर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और 100 रुपए का पेट्रोल डलवा लो, बहुत महंगा होने वाला है। और ये देखो, आप समझ गए होंगे, इस सीरीज में जो हमारा पहला स्टॉप है वो है बिरयानी। बिरयानी को भोपाल में बिरयान कहते हैं। हमें सब कुछ जो हमारी सीरीज चल रही है वहाँ हम आज आए हैं नवेद भाई की बिरयान पर और हम देखेंगे उनके पास वो लोगों को कैसे इतनी महंगाई में भी अच्छा और सस्ता खाना दे रहे हैं। चलिए नवेद भाई से बात होती है। नवेद भाई क्या हाल है? नवेद भाई बिरयान खाने आए थे हम जी। तो किस रेट में अपने पास? आप 450 ग्राम फूले, 300 ग्राम। हाफ और फुल दोनों प्लेट्स मुझे बना के बताओ। और ये खुल गया नवेद भाई का पिटारा। बिरयानी का कलर देख लो यार, ओफ 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 ओफ, मजा आ गया। नवेद भाई बिरयानी तो खिलाओ। पीसेस देख लो। अच्छा, हाफ फुल दोनों में अच्छे पीसेस आते हैं, लेग पीसेस आते हैं। ये हो गई हमारी बिरयानी रेडी। आप कौन सी है, फुल कौन सी है? ये फुल है जी। तो ये वाली फुल है, ये कितने ग्राम है? ये 550 ग्राम, 550, आधा किलो से ऊपर है। और कितने पीसेस आ रहे हैं इसमें? इसमें एक लेग पीस, 4 बोटी। एक लेग पीस। और ये है हाफ प्लेट, इसमें एक लेग पीस है, एक लेग पीस है और एक बिग बोटी। तो 2 से 3 बोटियां आप इसमें भी दे देते हो। कितना अच्छे तरीके से प्लेट बनी हुई है। इसके साथ क्या क्या रायता भी सर्व होता है। भाई हमारा आज का टारगेट था सस्ता खाना, तो हम इसकी हाफ प्लेट टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसी है। लुक एट दिस, आप देख सकते हो लेग पीस है एंड लुक एट दिस, चिकन अंदर तक गला हुआ है, क्वालिटी मीट है। लेट्स टेस्ट इट एंड देखते हैं कि ये कितना अच्छा है। चावल का साइज देख रहे हो आप, चावल खिले हुए हैं एकदम, बहुत ही मज़ेदार। 30 रुपए में इतनी अच्छी बिरयानी जिसमें अच्छे अच्छे लेग पीस हैं, 2 पीसेस और हैं, आज के टाइम पे मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इतनी महंगाई में नवेद भाई ये पॉसिबल कर रहे हैं। मेन रोड कोई पिज़्ज़ा, मेन रोड है मेरे पीछे, कोई पिज़्ज़ा मेन रोड पर है ये दुकान। आप आओ, 30 रुपए की बिरयानी खाओ। मैं इन्जॉय करता हूँ ये बिरयानी, आप देखिए नवेद भाई की बिरयानी के कुछ नज़ारे। इसके बाद चलेंगे अगली स्टॉप पर जहाँ होगा आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल और ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि वो इतनी महंगाई में भी कैसे आज भी लोगों को टेस्ट दे रहे हैं, क्वालिटी दे रहे हैं और खाना दे रहे हैं। क्योंकि ट्रैवल बग स्टोरीज़ का जो कमिटमेंट है वो ये है कि आप तक अच्छे से अच्छा टेस्टी से अच्छी खाना किफ़ायत में पहुँचाएँ, क्योंकि ये है 100 में सब कुछ। मैंने खा ली है बिरयानी
और हमारे 100 का सब कुछ के बजट में माइनस हो गए 30 रुपये। 100 - 30 = 70। 70 रुपये का बजट हमारे पास और है, और 70 रुपये के बजट में हम अभी बहुत सारी चीज़ें खाने वाले हैं। मेरे साथ बने रहो और चलो मेरे साथ अगली जगह जहाँ पे आपके लिए एक सरप्राइज है। इन्फ्लेशन में फूड इकोनॉमी ढूंढने का जो जज्बा है वो इस बार मुझे ले आया है एक अरेबिक मोड में। समझ ही गए होंगे आप, अरेबिक मोड मतलब मैं आ गया हूँ इब्राहिमपुरे के फूडिस्तान शवमा कॉर्नर पे, और यहाँ हम देखने वाले हैं कोई ज़बरदस्त वैरायटीज़ समोली बर्गर शवरमा और साथ साथ रोटी शवरमा की। तो देर किस बात की है, चलते हैं देखते हैं कि फूडिस्तान पर ऐसा क्या ख़ास है कि लोग इसके पास आते हैं और मज़ा लेते हैं अच्छे अच्छे शवरमा का, और ऐसे कौन से राज हैं इनके पास कि इतने बढ़ती महंगाई में 100 रुपये पेट्रोल है वो #100 में सब कुछ देने के लिए रेडी है। भाई मेरे साथ हैं आज़म भाई जो फूडिस्तान के ओनर यहाँ पे, मतलब बर्गर बेच रहे हैं वो 20 रुपीज से स्टार्टिंग है। अच्छा, वो भी चिकन बर्गर है। अच्छा अच्छा, और जब कस्टमर आते हैं तो खाने के बाद उनका एक और रिएक्शन आता है कि भाई 20 में इतना अच्छा, फिर वो मजा आ जाता है कि भाई अपन को एक इन्जॉयमेंट लगता है, फील आता है कि नहीं अपन अच्छी चीज दे रहे हैं कस्टमर को। 3 वेराइटीज बना रहे हैं। अच्छा, शावरमा के अंदर बर्गर बना रहे हैं और सामोली बना रहे हैं और फूड बना रहे हैं। अच्छा, और बर्गर जो वो भोपाल में ही अपन ने मतलब स्टार्ट करा था। अच्छा, तो हमें जरा अपना शावरमा दिखाइए और इसकी खासियत बताइए कि लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। आइए आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आते आते मतलब ये काफी भोपाल स्टाइल भी करना पड़ गया हमें। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मतलब भोपालियों की थोड़ी अलग डिमांड थी। अच्छा, तो थोड़ा उसको मॉडिफाइड करके भोपाली स्टाइल, क्योंकि शावरमा जो है इंडिया के अंदर खासतौर से हर जगह अलग किस्म का मिलता है। हर जगह, दिल्ली के अंदर अलग मिलता है, कोलकाता के अंदर अलग मिलता है, हैदराबाद के अंदर अलग मिलता है। अच्छा, और फिर आगे यहाँ के हिसाब से कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़े। ओके, तो ये लेकिन टच बॉम्बे वाला देता है। और हॉट सॉस का चिकन है। हाँ, और इसमें अपने चिप्स हैं, फिंगर चिप्स हैं। ओके, और कैबेज है। चिकन की जो क्वांटिटी है इसमें 70% है। हाँ, बाकी 30% के अंदर अपना कैबेज और चिप्स हैं। तो हो देखिए क्या मेयोनीज जबरदस्त डाली जा रही है। ये गई हॉट सॉस और ये डाल दिया बर्गर गरम होने। ये देखिए, चलिए भाई मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं टेस्ट करता हूँ इसे। ये जो पोर्शन है ये मेरा सबसे फेवरेट पोर्शन है, और ये पोर्शन है टेस्टिंग का। ये देख रहे हो, फुल फिल्ड बर्गर, श्रेडेड शवरमा स्टाइल बर्गर। लेट्स टेस्ट इट। मेयोनीज देख रहे हो, ड्रिप कर रही है, मजा आ गया। आप जैसे लोग जिन्हें हम कहते हैं #100 में सब कुछ के वॉरियर्स, लोगों तक अच्छा खाना आज भी पहुंचा रहे हैं। 20 रुपए का ये बर्गर की प्लेटर है मेरी। दो तरह की सॉस, चिकन फिल्ड बर्गर, क्या मांग सकते हो आप। 100 रुपए में पेट्रोल नहीं आ रहा है और 20 रुपए में ये बर्गर दे रहे हैं। 100 रुपए में इनके तीनों आइटम्स आते हैं, समोली बर्गर और साथ साथ रोटी शवरमा। तो देखा आपने कैसे आज़म भाई जैसे लोग #100 में सब कुछ को आगे बढ़ा रहे हैं, महंगाई में पेट भर खाना खिला रहे हैं, 100 रुपए के अंदर इनके सब आइटम्स हैं, और यहाँ अच्छे से अच्छे 18 से लेके 80 साल के लोग आते हैं यहाँ, और बर्गर समोली खबूज हाइजीनिकली बनाया हुआ टेस्टी क्वालिटी चिकन एंजॉय करते हैं। मेरी तरफ से और आज़म भाई की तरफ से कीप वॉचिंग, क्योंकि आगे बहुत मज़ा आने वाला है।
शाम में सब कुछ की स्पेशल सीरीज में हम आ गए अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर जो हमारा क्वेस्ट है आप तक अच्छा टेस्टी डिलीशियस और सस्ता खाना पहुंचाने का वो अपने जेनिथ पर है। मैं इस वक्त हूं बुधवारे के चार बत्ती चौराहे पर और मैं हूं चिकन किंग मुश्ताक भाई की शॉप पर। चिकन किंग क्यों बोल रहा हूं? मेरे सामने का नज़ारा देख रहे हो, लेग पीस, फ्राइड टिक्काज, ग्रीन चिकन, इनके पास खाने की रेंज 15 रुपये से स्टार्ट होती है, कबाब से लेके मछली, नरगिसी कोफ्ते और बिरयानी, हर चीज़ आपको मिलेगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, चलते हैं देखते हैं मुश्ताक भाई के पास क्या क्या है हमें ऑफ़र करने के लिए और उनसे जानेंगे कि इतने महंगे टाइम में वो किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं बांधे हुए और लोगों को सस्ता अच्छा और मज़ेदार खाना पहुंचा रहे हैं जो कि ट्रैवल बग स्टोरीज़ का इस वीडियो का मोटिव है। तो चलिए मोटिवेट करते हैं, थोड़ा मोटिवेट होते हैं मुश्ताक भाई से और आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त चीज़ें हैं। रेडी हो इस चिकन टूर में जाने के लिए? चलो मेरे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे साथ है इस वक्त मुश्ताक भाई जो कि शामी कबाब बना रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? ये मसाला डाल रहे हैं शामी कबाब का। तो शामी कबाब और नॉर्मल कबाब में ये फर्क होता है कि शामी कबाब दाल से बनते हैं, दाल और गोश्त का मिक्स होता है। सही बोल रहा हूँ मुश्ताक भाई? दाल, चिकन, मसाले, ये सब साथ में मिक्स हो रहे हैं। पुदीना डाल दिया इसमें। कितने साल से बना रहे हैं ये? 86 से दुकान चला रहे हैं। हर आइटम सस्ता है। अच्छा, दूसरा ये कि गरीब से गरीब भी खा ले। बिरयानी का क्या बता रहे थे आप? 20 रुपए की भी, 20 रुपीज की भी दे देते हैं, 35 की भी दे देते हैं, 75 की भी दे देते हैं, जो जैसा आता है उस हिसाब से दे देते हैं। गरीब से गरीब भी आ जाता है तो उसको भी वापस नहीं जाते। और यही वजह है कि लोगों में आपका जो प्यार है उससे ये दुकान चल रही है। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो आदमी को खींचती है। अच्छा, मुश्ताक भाई जो है चिकन ही नहीं बना रहे, मोहब्बत बांट रहे हैं। सही कह रहा हूँ मैं? नियत जो है वो कमाने की नहीं है। अच्छा, असल नियत है पेट भरने की है। हम इसके बिरयान का हमारी होटल 50 किलो 40 किलो बिरयानी ज्यादा पकती है। अच्छा, उसके अंदर 1000 रुपए का खाली गरम मसाला डालते हैं। और इस शख्स की मोहब्बत है मुश्ताक भाई चिकन कॉर्नर बुधवार में। ट्रैवल बग स्टोरीज का यही मकसद है कि आपको ऐसे लोगों से मिलाएं। 1.5 घंटा हो गया मुझे यहाँ। इस जगह की एनर्जी इतनी कमाल है कि आप यहाँ आएंगे तो आप बोर नहीं हो सकते। मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, टेस्टिंग हम जरूर करेंगे, बट लुक एट दिस प्लेस। कौन है ये लोग जो इतना सस्ता खाना? नियत देखिए लोगों की कि खाना खिलाने का शौक इस हद तक जा सकता है कि लोगों को प्यार बांटते बांटते रोज 125 किलो मुर्गा फ्राई हो जाता है, बिरयानी में डल जाता है और फिर भी 61 इयर्स की एज में। ये मुश्ताक भाई हैं। मुश्ताक भाई 61 इयर्स की एज में लोगों को खाने का शौक पैदा करते हैं, लोगों को बांधा हुआ है। और ये भोपाल के चिकन किंग ऐसे ही नहीं कहलाते। आप भोपाल आए तो ये चेहरा याद रखें, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये चेहरा याद रहना जरूरी है। और ये मछली हुई रेडी सर्विंग के लिए। अच्छा, ये बिरयानी में आप लोग चिकन फ्राई की बोटी चलाते हैं। और ये निकला तेल से, ये गया अंदर। भोपाल में बिरयानी को बिरयान कहा जाता है और चिकन फ्राई की बोटी डाल के इसको बहुत ही लजीज बना दिया मुश्ताक भाई ने। ये भाई देख लो, ओफ, देखिए आप, स्टीम उठती हुई, मजा आ गया। मुश्ताक भाई बताएंगे, मुश्ताक भाई क्या क्या है इसमें? इसमें है चिकन शामी कबाब, ओके, चिकन बोटी कबाब, ओके, चिकन टिक्का बिरयानी, ओके। तो चिकन टिक्का भी है, बिरयानी है और कबाब है। और ये कितने का प्लेटर है? ये 50 रुपए का। 50 रुपए का प्लेटर है भाई? 50 रुपए में मुश्ताक भाई ये प्लेटर दे रहे हैं। देखिए इसमें है शामी कबाब, बोटी कबाब, टिक्का है और बिरयानी है। ये बिरयानी कितने की हुई? ये होगा 25 की। 25 की। ये कितने का हुआ? 15 रुपए का बोटी कबाब और 10 रुपए का है शामी कबाब। चलो फिर देर किस बात की, थैंक यू। हम टेस्ट करते हैं इसे और देखते हैं कि इसका मजा क्या है। तो ये थे मुश्ताक भाई और उन्होंने हमारे लिए एक स्पेशल प्लेटर तैयार करा है जिसमें 3 तरह के कबाब और बिरयानी है। ओनली एंड ओनली 50 रुपीज। हमारा पहले का बैलेंस था, हमने सबसे पहले खाई थी बिरयानी जो थी 30 रुपीज की, फिर उसके बाद हमने खाया था बर्गर, शावरमा बर्गर जो 20 रुपीज का था। 100 माइनस 30 इज 70, माइनस 20
इज 50। 50 रुपए का बजट बचा था और 50 रुपए के बजट में ये शामी कबाब, ये बोटी कबाब, बिरयान और ये है टिक्का फ्राई बोटी। बहुत बातें हो गई, अब टाइम है टेस्ट करने का। सबसे पहले ये शामी कबाब टेस्ट करेंगे। प्योर डिलाइट, दाल का एक बहुत जबरदस्त मजा है, क्रिस्पी फ्राइड है ये, स्टिक बोटी है कबाब है ये। जूसी, टेंडर, क्रिस्पी, मजा आ गया। तो भाई इस एनर्जी, इस पॉजिटिव नोट के साथ आज का हैशटैग सौ में सब कुछ खत्म होता है। इतनी एनर्जी, इतना मोहब्बत, इतना प्यार, लोगों को खिलाने का शौक और खाना बनाने का जो मज़ा है और शौक है वो भोपाल में ही देखने को मिलेगा। आई एम श्योर आप सबके शहरों में कई लोग ऐसे होंगे जो लोगों को अच्छा खाना खिला रहे हैं, आज भी इस महंगे टाइम में सौ में सब कुछ खिला रहे हैं। ऐसे लोगों को मोटिवेट करें, ऐसे लोगों के एफर्ट्स को कमेंट करें और हमें बताएं हैशटैग सौ में सब कुछ। जी हाँ, हैशटैग सौ में सब कुछ, हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप टैग करें, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें बताएं कि आपके शहर में 100 रुपये में कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं, कौन कौन से मज़ेदार जायके आते हैं। एक चीज़ हो वो भी बताइए, चार चीज़ें आ जाएं 100 में हमें वो भी बताइए। याद रखिए हैशटैग 100 में सब कुछ, इसको टैग करिए, हमें टैग करिए उसके अंदर, हमें बताइए हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कि आपके शहरों में ऐसे कौन से लोग हैं जो आज भी जब 100 रुपये से ज़्यादा है पेट्रोल का दाम आपको अच्छा टेस्टी और मज़ेदार खाना दे रहे हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर करें और लोगों तक ताकि वो भी किसी की खुशी की वजह बने। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, आदाब।